हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप इन पौधों की फ्लावरिंग अच्छी चाहते हैं तो इस महीने आप इन पौधों की कटिंग ज़रूर लगाएं। देखिए, ये चार प्रकार छः पौधों की कटिंग ले रखी, छः सात पौधों की कटिंग है। आप इन कटिंग को घर में लगाएंगे तो ठंडियों में बहुत सारी फ्लावरिंग होगी आपके घर में। तो इस प्रकार से इन पौधों की कटिंग घर में ज़रूर लगाएँ। ये पहला था, ये गुलाब की कटिंग है और ये है गुलदावरी की कटिंग और ये है साइकिलिया, पता नहीं कौन सा है, मुझे पता नहीं नाम, भूल गई। ये डहलिया का पौधा है, कटिंग ले रखी मैंने डहलिया की और भी बहुत सारे ले रखे। ये डहलिया की कटिंग मैं रूटिंग हार्मोन्स लगा के लगाने जा रही हूँ। तो इस प्रकार से आप बहुत सारी कटिंग ले लगा सकते हैं। इसमें छह प्रकार के पौधों की कटिंग ले रखी, एक तो डेंथस है और एक साल्विया है और भी बहुत सारे कटिंग ले रखी मैंने। ये डेंथस का है कटिंग। तो आप बहुत सारे पौधों को फंगिसाइड लगा के कटिंग लगा सकते हैं और इसकी ग्रोथ भी हो जाएगी, क्योंकि इस समय नमी बनी रहती है, मौसम सही रहता है और हमारे यहाँ तो धूप भी नहीं आ रही। तो इस प्रकार आप फंगिसाइड कुछ भी लगा के कटिंग लगा के अपने घरों और ढेरों फ्लावरिंग तैयार कर सकते हैं, फूल को तैयार कर सकते हैं। और ये गुलाब की कटिंग है, तो मैं इस कोकोपीट में मैंने कंटेनर को तैयार कर रखा है और ये रूटिंग हार्मोन्स के लिए एलोवेरा ले रखा है। तो इस प्रकार आप कोई सा भी फंगिसाइड लेके इस प्रकार के पौधे की कटिंग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन कटिंग को ज़रूर लगाएं, जैसे कि घर में आपके ढेरों फ्लावर हों, फ्लावरों की कमी ना हो। तो इस प्रकार इनकी कटिंग अवश्य लगाएं। तो इसका मैं आज कटिंग लगा रही हूँ, तो 10-15 दिन बाद इसका वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी कि इनमें रूट्स आए कि नहीं आए, उसका वीडियो भी शेयर करूँगी। तो आपको अगर कटिंग लगानी है तो ये महीने में लगा लीजिए, नहीं तो आगे पौधे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय ज़्यादा ठंडा पड़ता है तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, ना धूप होगा, तो धूप से पौधे जल्दी अच्छे से ग्रोथ हो जाती है। इस समय तो चलो थोड़ी बहुत धूप छाया सब कुछ है, मौसम में नमी बनी रह रही है, तो पौधे अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएंगे। आगे के मौसम का पता नहीं है कि पौधे का क्या हाल होगा, क्योंकि बहुत सारे पौधे डोरमेंसी में जाते हैं तो इनको पोषण तत्व नहीं मिल पाता है, प्रकाश संश्लेषण अच्छे से नहीं होता है। तो इस प्रकार से इस महीने कटिंग को अवश्य लगाइए और बहुत सारे पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए मैंने लगा लिए हैं, और आपको भी कटिंग लगाना है तो ज़रा भी देर न करिए, इस महीने ख़त्म होते होते आप बहुत सारे पौधों की कटिंग लगा सकते हैं। और आपको मेरा चैनल कैसा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मैंने बहुत सारे अभी पौधे ला रखे हैं, इनको मुझे लगाना भी है, तो थोड़ी थोड़ी कटिंग लगा के मैं 2-3 पौधे तैयार कर रही हूँ। तो इस प्रकार आप भी पौधे ला के कटिंग तैयार कर सकते हैं, आपके घर में भी ढेरों फ्लावर होंगे। तो मैंने लगा दिया, बहुत सारे पौधों की कटिंग लगाई हुई है और पौधे भी खरीद के ला रखे हैं। तो इस प्रकार मैं कटिंग लगा के 1-2-3 पौधे तैयार कर लेती हूँ, तो बहुत सारे पौधे हो जाते हैं, फिर कोई दिक्कत।